हजार वर्ष का इतिहास लिए चंबा का नाम भले ही आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है, मगर आज इस शहर की व्यवस्था और मंदिरों की देखरेख पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बात करें चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर की, तो यहाँ के मंदिरों में शाम ढलते ही अंधेरा परसना शुरू हो जाता है। बताते चले कि मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर एक दो जगह पर ही कुछ एक बल्ब टिमटिमाते देखने को मिलते हैं, अन्यथा हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण की होने वाली आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंचे स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि काफी समय पहले यहां के इन ऐतिहासिक मंदिरों में हर जगह रोशनी ही रोशनी हुआ करती थी, पर आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि मंदिर में चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रशासन सब कुछ जानने के बाद भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है ये, और इसी मंदिर में छह मंदिरों का समूह है ये जी। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, चंद्रगुप्त, गौरी शंकर, त्र्यंबकेश्वर और लक्ष्मी दामोदर। इसको साहिल वर्मन, राजा साहिल वर्मन ने बनवाया है। जैसे फ्लड लाइट, लगी हुई है वो खराब हो गई है, दो तीन लगाई हुई थी पहले पर जी, पर उसके रिपेयर वगैरह नहीं हुई है जी, तो ये रिपेयर वगैरह होनी चाहिए। श्रद्धालु से आते जाते रहते हैं, दर्शन रात के टाइम उतने दर्शन नहीं हो पाते, जैसे घूमने फिरने के लिए दिक्कत रहती है जैसे रात के टाइम। हाँ हरी बोल जी, हम यहाँ पे डेली मंदिर को आते हैं शाम को आरती के समय, तो पहले जैसे कि कुछ समय पहले तो यहाँ पे लाइटों का पूरा अच्छी तरह से बंदोबस्त था, परंतु कुछ सालों से मंदिर के जो कुछ मंदिर जो हैं वो बिल्कुल भी अंधेरे में हो चुके हैं, और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और हम सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए। और गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी धूप होती है और श्रद्धालुओं को पैदल चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उनके लिए कुछ मैट की सुविधा की जाए, और हर एक मंदिर में भगवान के कौन से भगवान हैं उनकी नेम प्लेट लगाई जाए, ताकि जो आने वाले बाहर जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी इसके बारे में पूरा ज्ञान हो, क्योंकि ये चंबा का बड़ा ही पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है, और जो भी बाहर से आते हैं उनके लिए हमारी यही है कि वो अच्छे यहाँ से विचार लेके जाएं, और प्रशासन कमेटी से हमारे अनुरोध है कि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसी को भी असुविधा के सामना ना हो। मेरा नाम राकेश वैद है और मैं चंबा शहर का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से गुजारिश है कि जितने भी ये मंदिर हैं इन्हें सरकार के कंट्रोल से निकाला जाए और इन्हें हमारी हिंदू संस्थाओं को सौंपा जाए, क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदू इन मंदिरों का संचालन करने में संपूर्णता सक्षम है। सरकार का इस पर कंट्रोल होना हमें अच्छा नहीं लगता, और हम ये चाहते हैं कि सरकार का इस पर कंट्रोल ना हो। दूसरी बात यह है कि अभी मैं लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में हम लोग रोज आते हैं, तो यहाँ का प्रबंध देखकर हमें एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ना तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होती है और ना तो मैटिंग की व्यवस्था है। जब गर्मी होती है तो गर्मी में यहाँ पे चक्कों पे चलना मुश्किल हो जाता है, तो इन सब सुविधाओं को प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हों और लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था हो, और हर एक मंदिर के बाहर एक नेम प्लेट लगी हो, जिससे कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो मेरा फिर से गुजारिश ये रहेगा कि सरकार इन मंदिरों को अपने चुंगल से छोड़ दे, कंट्रोल से छोड़ दे। भी एक मेरी प्रशासन से गुजारिश रहेगी कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था की जाए। हरी बोल जी, मेरा प्रशासन और कमेटी से इस ऐतिहासिक मंदिर को लेकर ये कहना है कि यहाँ पे जैसे कि हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसके चलते हमें जो देखने में सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में देखते हैं कि जो भगवान के मंदिरों में लगी लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं, और कई तो मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब लाइट की उनमें कोई सुविधा नहीं है, उनमें ना कोई नेम प्लेट है। हमें ये तक मूर्ति के दर्शन तक भी मतलब बड़ी करने में होती है, क्योंकि
अगर लाइट ना हो उसके अंधेरे में रात को और बारिशों में बड़ी मुश्किल आती है। तो प्रतिदिन दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरी ये प्रशासन से वो रहेगी गुहार की सभी मंदिरों की लाइट्स को बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए और हर चलने के लिए सर्दी और गर्मियों में एक मैट की जो धरती पे मैट की सुविधा लगाई जाए ताकि जो श्रद्धालु मंदिर के परिक्रमा चक्कर लगाते हैं जो उनको उसमें सुविधा रहे। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।